हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड्डूबाजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्कॉलरशिप इस समय रेनुअल कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप का पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है उसका पासवर्ड नहीं जानते हैं आप, तो उस पासवर्ड को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है और सर्च करना है upscholarship.gov.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया upscholarship.gov.in। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप का मेन पोर्टल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो यहीं पर आपको टाइप कर देना होगा। चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं देखने को मिल रहा होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होम, यहीं पर आपको टाइप कर देना होगा। चलिए मैं होम पर टाइप कर देता हूँ। जैसे आप होम पर टाइप करेंगे कुछ लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको स्टूडेंट पर टाइप करना है। मैं स्टूडेंट पर टाइप करता हूँ। जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं, पासवर्ड निकालना है आपको, तो आपको यहाँ पर रिन्यूअल लॉगिन पर आपको टाइप करके रखना होगा। फिर मैं इसे टाइप करके रखता हूँ। जैसे आप टाइप करके रखेंगे, अगर मोबाइल में खोल रहे होंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ओपन होगा, आपको बैक में साइड में टाइप कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक हैं यहाँ पर, आपको जो भी आप अगर नाइन्थ में हैं तो पर मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इंटरमीडिएट में है तो इंटरमीडिएट, अगर बीए एमए कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। फिर मैं यहाँ पर बीए का मैं चेक करना चाहता हूँ, पासवर्ड गेन करना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। आपको पासवर्ड चाहिए यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। फिर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बोलेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या भरें, यहाँ पर यानी आप अगर आप इस समय रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको 2022-23 का रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो पहले स्कॉलरशिप आया था नहीं भी आया था, तो आप अगर उस रजिस्ट्रेशन संख्या से निकालना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 17/2021-22। यहाँ पर आपको 17/2021-22 का मैंने, चलिए यहाँ पर मैं भर लेता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन संख्या। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या भर दिया है। रजिस्ट्रेशन संख्या भरने के बाद मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी भर दिया है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड यानी यू किस बोर्ड से हैं, यहाँ पर मैंने यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष यानी किस सन में हाई स्कूल उत्तीर्ण किए थे, पास किए थे, यहाँ पर वो भी मैंने वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है 2019। उसके बाद हाई स्कूल रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर भी मैंने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चर जो दिए हैं, यहाँ पर ये कैप्चर भी मैंने फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करने उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड पुनः प्राप्त करें, यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये पासवर्ड आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यही पासवर्ड है। तो दोस्तों, ऐसे आप रिन्यूअल करने के लिए पासवर्ड आप अपना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।